वो सिर्फ मेरी है, शादी तो उसकी सिर्फ मुझसे ही होगी। ऐसा कहते हुए अपनी प्रेमिका के होने वाले पति को एक प्रेमी ने भरे चौराहे पर जमकर पीट दिया। साथ ही आरोपी ने प्रेमिका के होने वाले पति को प्रेमिका से शादी ना करने की धमकी भी दी, जबकि पीड़ित की जेब से 2000 रुपए भी छीन ले गया। ये घटना तहसील थाना अंतर्गत घटित हुई। पुलिस ने इस मामले में दो भाई बहनों को गिरफ्तार किया है। वारदात का तीसरा आरोपी फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। तहसील निवासी शिकायतकर्ता जितेश प्राइवेट काम करता है, उसकी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। हालांकि आरोपी युवक अमन, उम्र 25 वर्ष, उसका जितेश की होने वाली बीवी के साथ प्रेम संबंध है। दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला किया था, लेकिन लड़की के माता पिता दोनों के प्रेम संबंध के खिलाफ थे, इसलिए परिवार ने उसकी शादी जल्द से जल्द किसी दूसरे युवक से कराने की कोशिश की। हालांकि अमन किसी भी हालत में प्रेमिका को शादी करने से रोकने के लिए वहां गया। उस समय शिकायतकर्ता जितेश को जाता देख आरोपी अमन और उसके 3 दोस्त उस समय जितेश के पीछे गए, जब वो काम के लिए दुपहिया वाहन पर टिमकी से जा रहा था। टिमकी चौक पर आरोपी अमन ने जितेश की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। जितेश के बाइक से उतरते ही तीनों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तमंचे और लोहे की रॉड से बुरी तरह उसे पीटा गया, उसकी जेब से 2000 रुपए भी निकाल लिए और प्रेमिका से शादी करने पर जान से मारने की धमकी भी अमन ने दे डाली। पुलिस ने घटना की गंभीरता को लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अमन और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। तसंच पोलीस स्टेशन तहसील हद्दीत 300 जणांची घटना घडली होती। एक पुणेकर नावाचा तक्रारदार होता, तो घरून त्याच्या ऑफिसमध्ये जात असताना त्याच्या मागाहून 2 मोटरसायकलवर आले। त्यांनी त्याच्या गाडीला डॅश मारला, त्याला थांबवलं आणि लगेच समोरून एक इसम आला, त्याच्याकडे चाकू वगैरे होता आणि या 2 इसमांकडे लोखंडी रॉड होते। त्यांनी त्याला धमकवलं, त्याच्या खिशातून 2000 रुपये काढले आणि त्याला हातभुकीने वगैरे मारहाण केलं। अशा रीतीने तो गुन्हा पण ओपन झाला। त्यात 5 करोडच्या हद्दीतलेच अमन सूर्यकांत चौरे आणि अंकित सूर्यकांत चौरे, तसेच सुजल चिनकुरे असे जे 3 आरोपी होते, ते 3 आरोपी पोलीस स्टेशन तहसीलने अटक केले होते। 2 दिवस PCR मध्ये होते। गुन्ह्यात ज्यांनी जो चाकू आणि जे लोखंडी सळे वापरले होते ते पण जप्त केले। फिरतीचे 2000 रुपये ते पण रिकवर केले। अशा रीतीने 3 सरळ गुन्हेगार यांना पोलीस स्टेशन तहसीलच्या डीबी टीमने अटक केली आणि त्यांच्याकडनं मुद्देमाल रिकवर केलेला आहे। सदर कारवाईसाठी आम्हाला माननीय नितीश कुमार सर पोलीस आयुक्त, माननीय श्रीमती अश्वती दोर्जे मॅडम सहपोलीस आयुक्त नागपूर शहर, माननीय श्री प्रमोद शेवाळे सर रिजन सर उत्तर विभाग, माननीय श्री वरुण भांबळे सर DCP झुंथिंग, माननीय श्री नरेंद्र हिवरे सर ACP कोतवाली आणि तसेच आमची डीबी टीम या सर्वांनी एकत्रित करून हे गुन्हे उघडकीस आणले। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।